अब हम बढ़ियों को छत पर आकर बना लेंगे। चौकी पर एक कपड़े को फैलाकर उस पर बढ़ियाँ बना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसूर दाल की बढ़ियाँ बनाएंगे। मसूर दाल को हम रात भर पानी में भिगो दिए थे। छिलके वाली मसूर दाल है, इसे हम घर में तैयार किए हैं। इसे अच्छी तरह से पानी से हम धो लेंगे। पानी डालकर हाथों से रगड़कर इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसे अब हम नल के पास ले जाकर चार पांच बार धो लेंगे। चार पांच बार धोने के बाद ये अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। आप देख सकते हैं दाल हमारा साफ़ हो गया है। और अब इसे हम पानी को गिराकर मिक्सर में धीरे धीरे पीस लेंगे। दाल साफ हो चुका है, अब इसे पीस लेंगे। यहाँ पर हम मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस रहे हैं। ऊपर से इसमें पानी नहीं डालना है और इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर हम इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर रहे हैं। मिक्सर में डालकर धीरे धीरे इसे पीस लेंगे। सभी दाल को हम पीस लेंगे और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल को हम पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार किए हैं। इसी तरह से गाढ़ा पेस्ट सभी दाल को पीस कर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ हम सभी दाल पीस कर पेस्ट तैयार कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे एक चम्मच और इसे मिला लेंगे। यहाँ हम एक हाथ से ही मिला रहे हैं, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। चारों तरफ से मिला लेंगे ताकि हींग मिल जाए। और थोड़ी देर और इसे मिलाएंगे ताकि हमारी बढ़ियाँ सॉफ्ट और अच्छी बन सके। अब हम इसे छत पर ले जाकर कपड़े पर बना रहे हैं। सभी बढ़ियों को हम बना लेंगे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर और ये दिन भर में सूख जाएगा। यहाँ हम सभी बढ़ियों को बना लिए हैं, आप देख सकते हैं बढ़ियाँ बनकर तैयार है। दिन भर धूप लगने के बाद बढ़ियाँ सूख चुकी है, बढ़ियाँ बनकर तैयार है। इस तरह से आप लोग भी बनाएं खाएं। धन्यवाद।